नहीं सुधर पा रही सरकारी स्कूलों की स्थिति, अफसरों के पास निरीक्षण तक का समय नहीं। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का सरकारी दावा लगभग झूठा साबित होता जा रहा है। संभागीय मुख्यालय रीवा के शहरी इलाके में अफसरों की अनदेखी का शिकार विद्यालय जहां गंदगी के शिकार हैं, वहीं शिक्षा का स्तर निम्नतम स्तर का होने के कारण छात्रों की संख्या भी न्यूनतम होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संभागीय मुख्यालय में संभाग से लेकर विकासखंड स्तर तक के अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन इन अफसरों ने शायद ही स्कूलों की बदहाली को देखा हो। ऐसे में सरकारी स्कूलों का भविष्य क्या होगा, खुद सोचा जा सकता है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में संभागीय मुख्यालय रीवा को कभी एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता था, लेकिन स्थितियाँ पलट गई हैं। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है तो वह शैक्षणिक गुणवत्ता की। शहरी इलाके के सबसे प्राचीन और आज़ादी से पहले का सरकारी बालक स्कूल घोघर की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। सरकारी हिसाब से यहाँ सब पर्याप्त है, मतलब शिक्षक आवश्यकता से अधिक है, भवन भी पर्याप्त है, लेकिन समस्या भवन की सफाई व्यवस्था स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रहा है। वहीं छात्र संख्या भी रजिस्टर में दर्ज संख्या से आधे से कम ही आते हैं। रात में इसी विद्यालय का खंडहर इलाका अपराधियों की शरण स्थली बन जाता है। शहर के बीच ही एक विद्यालय है सिकरम खाना। एक कमरे में इस विद्यालय में शिक्षक हैं 5 और छात्र हैं 40, उसमें भी आते हैं 10। यही हाल शहर के पूर्वी छोर में स्थित समान विद्यालय का है। विद्यालय की गंदगी इस बात को इंगित कर रही है कि विभाग के लोग इस दिशा में कितना संवेदन शून्य है। अब सवाल यह उठता है कि संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद विभाग के अधिकारी सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के प्रति गंभीर क्यों नहीं है। एक बार जरूर देखने में आई है कि मध्याह्न भोजन के मामले में पूरा अमला सक्रिय रहता है। इस मामले में दूसरा सवाल यह भी है कि आधे से कम उपस्थिति में मध्याह्न भोजन योजना की खर्च राशि में घटोत्तरी नहीं हो रही है। इस मामले में ना तो विभाग कभी मॉनिटरिंग करता है और ना ही शिकायतों की जांच। सरकारी विद्यालयों की जिस प्रकार दुर्दशा है और जिस प्रकार अधिकारी लगातार सरकारी विद्यालयों की उपेक्षा कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि गली कूचे में चलने वाले निजी स्कूलों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। अगर यही हालात बने रहे तो निश्चित तौर पर शहर के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और सरकार की घोषणाएं केवल कागज में सिमट कर रह जाएंगी।